खबर है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। किसानों की फसल बर्बाद करने में जुटे हैं प्राइवेट डॉक्टर। बताते चले कि रायबरेली के हरचंदपुरा के विकासखंड परिसंध गांव में एक प्राइवेट डॉक्टर गाटा संख्या 1256 में एक नाले होकर गुजरता और वो नाला सही नदी के जाकर मिलता है। डॉक्टर सुनील उस जमीन पर अपना आशियाना तो बना लिया, लेकिन उस नाले को भी बंद कर दिया, जिससे आने वाले समय में नाले का पानी किसानों के खेत में भरेगा और किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। किसानों की न तो सरकार सुन रहे, न तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो आए दिन किसान मरते रहेंगे। रायबरेली से आशीष शुक्ला के साथ मोनू सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। ये नाले के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जो कि नाले को बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर अवैध कब्जा किए हुए हैं जो एक डॉक्टर हैं सुनील। ये पूरा नाला जाता है, नाले से पानी निकलकर साई नदी में मिलता है जाके। अगर ये नाला बंद हो गया तो कई किसानों की खेती डूब जाएगी। नाले से निकलता है जी, तो इसके लिए आपने कोई कार्रवाई की? जी साहब, हमने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, वहाँ से तुरंत जो है कार्रवाई हुई जी। लेखपाल कानून गो के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा, इनकी जो बिल्डिंग पे है सुनील कुमार जी की, उसमें नोटिस चस्पा की गई कि अवैध निर्माण गिराया जाए। चरागाह की भी जमीन है, नाला के ऊपर मकान बना हुआ है जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, लेखपाल के द्वारा एफआईआर भी बछरावा थाने में हो गई है, उसके बावजूद एसओ साहब अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपके पास सबूत है? हाँ सर, हमारे पास एफआईआर की रिपोर्ट है जी, और जो यहाँ पे नोटिस चस्पा हुई थी उसकी फोटो कापी है जी, पूरा हम रख चुके हैं। और अगर हमको सर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे भी जाएंगे सर, क्योंकि इससे यहाँ के किसान परेशान हो जाएंगे, भुखमरी पे आ जाएंगे सर। हजारों बीघा जमीन सर यहाँ से है और वो सब नष्ट हो जाएगी। 15 दिन बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी सर, तो सब टोटल यहाँ पे जलमग्न हो जाएगा क्षेत्र हमारा। अब आप देख रहे हैं सर, यहाँ पूरा बंद हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये सब टोटल मकान बने हुए हैं। सिंचाई विभाग का नाला है सर जी, सिंचाई विभाग भी अपना एफआईआर कर दिया है थाने बसरावा में। जैसे गाटा संख्या 1256 है सर, 1256 है, ये चरागाह है सर जी, और इसी पे ये पूरा मकान बना हुआ है और नाला भी इसी जमीन पे है 1256 पे।